दोस्तों, दुनिया भर के अंदर डंकी की एडवांस बुकिंग खोली जा चुकी है और जिस तरह का तूफान डंकी मचा रही हैं, वो देखकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों 300 से ज्यादा विदेशी सिटीज बड़े बड़े शहरों में डंकी के शोज फास्ट हाउसफुल होते जा रहे हैं। रिलीज के पहले दिन ही डंकी अपना बजट पार कर लेगी। इस तरह का क्रेज और तरह की बॉक्स ऑफिस जो हाइप डंकी फिल्म को लेकर है, वो आपको हैरान कर देगी। वही दोस्तों, इंडिया के अंदर बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का डंकी का डंका बज रहा है। कहानी राजकुमार हिरानी ने एक अलग दुनिया बनाई है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं। इन फिल्म हमें देखने मिल रहा है ऐसा फिल्म जो थ्री इडियट से भी 10 गुना अच्छा है, तो समझो सारे रिकॉर्ड तबाह होने वाले हैं। जवान के बाद डंकी भी इतिहास रचने वाली है और 3000 करोड़ कमाकर शाहरुख नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि 2000 करोड़ पहले ही उनकी फिल्म जवान पठान कमा चुकी है और 1000 करोड़ अभी बाकी है। वही डंकी का हाइप फिल्म रिलीज होने के बाद और ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, डंकी और सलार में किसको ज्यादा स्क्रीन मिलते नजर आ रहे हैं, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, डंकी को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट कर रही पेन मूवी वाले और सलार को हिंदी में बाहुबली वाली कंपनी रिलीज कर रही है। तो डंकी, जिसकी रिलीज डेट 2 साल पहले से फिक्स थी, उसको हिंदी में 5000 से 4000 स्क्रीन मिलने वाले हैं और बाद में वायारिफ भी इसको कुछ जगह पर रिलीज करेगा। इसके अलावा विदेशों में भी वायारिफ डंकी को रिलीज कर रहा है। वही सलार को साउथ में ही 3000 से ज्यादा स्क्रीन मिल रहे हैं और हिंदी में 2000 के आसपास सलार को स्क्रीन मिल रहे हैं। टोटल दोनों फिल्में 10000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। वही स्क्रीन को लेकर अभी भी वार चल रहा है। बाकी आप लोगों से हमेशा की तरह एक सवाल है, डंकी या सालार कौन जीतेगी?